हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन, टाइप ऑफ वेक्टर, ये अपने चल रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा कि आपको डेफिनेशन याद करनी है, मेरी बात में विश्वास करते हैं आप डेफिनेशन को याद करिए बच्चों, आपकी लाइफ के अंदर अलग चेंजेज आएगा। आप IIT के साथ साथ जो भी आपके फॉरेन जाने के कंपटीशन है या कहीं पर भी ऑल इंडिया का, चाहे आप आगे जाके RS IAS किसी भी कंपटीशन को देंगे तो 100% आप सिलेक्शन होंगे, मेरी गारंटी है इस बात की। इसीलिए आप बच्चों को डेफिनेशन को भी याद करें और डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी करें। तो ये अपने चल रहा था वेक्टर। तो टाइप ऑफ वेक्टर में अपने देखिए 5 टाइप के पहले देख चुके हैं। छठा टाइप अपने पास है नेगेटिव वेक्टर। तो बच्चों पहले अपने 5 टाइप के पढ़े, छठा टाइप अब है नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम, क्या ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम रिजल्ट एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एंड डायरेक्शन इज अपोजिट देन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका परिमाण भी समान है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन परिणाम समान है, उसको अपन कहते हैं ऋणात्मक सदिश, इट मींस नेगेटिव वेक्टर एंड डिनोटेड बाय AB वेक्टर बराबर माइनस BA वेक्टर। AB वेक्टर बराबर क्या हो गया, माइनस BA वेक्टर। जैसे आपके पास CD वेक्टर है, आप इसको उल्टा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव लगेगा और वेक्टर लगेगा ऊपर, ये था नेगेटिव वेक्टर। तो जब अपन अपोजिट करेंगे तो नेगेटिव लगेगा बट मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। चलिए डेफिनेशन नंबर 7 है लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अर्थात सदिश का मापन और परिमाण क्या होता है। तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, वही इसका लेंथ होगा। एंड डिनोटेड बाय और इसे AB वेक्टर का मापन या A वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो बच्चों इसको AB वेक्टर का मोड या A वेक्टर का मोड या इसके ऊपर वेक्टर को लगे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 टाइप से अपन लिख सकते हैं बच्चों, AB वेक्टर का मोड, A वेक्टर का मोड या उसके ऊपर परिणाम के रूप में अपन ऐसा डिनोट कर सकते हैं, रिजल्ट के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। यह था फॉर एग्जाम्पल OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, √x² + y² + z², ये गलत था मैग्नीट्यूड परिमाण। चलिएगा नेक्स्ट, अब जो अपनी डेफिनेशन पढ़ी अब तक सदिश के अंदर वेक्टर के अंदर, उस डेफिनेशन में बोर्ड के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास बन सकता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट से साउथ की ओर 50 किलोमीटर को 60 डिग्री पर अपने को शो करना है, दिखाना है। ये एक नंबर का अपने पास बोर्ड के अंदर सवाल आता है, ऑप्शन के अंदर कंपटीशन के अंदर सवाल आता है बच्चों। तो कैसे आएगा, कैसे रहेगा और इसका जवाब अपन कैसे देंगे, आपको जैसा कि पता डायरेक्शन ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है और साउथ होती है बच्चों। तो देखिए ईस्ट, ईस्ट का मतलब इधर, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब आपने क्या लिखा, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ये रहा, साउथ ये रहा, कितना डिग्री 60 डिग्री, इससे 60 डिग्री, साउथ से 60 डिग्री और 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरीके से अपन इसको शो करते हैं बच्चों। ये था एक नंबर का, ऑप्शन के अंदर अपने को बेवकूफ बनाएगा, कैसे कैसे बेवकूफ बनाएगा, कभी इधर देगा, एक इधर देगा, एक इधर देगा, ऊपर से देगा, जबकि एक्चुअल आंसर ये होगा। तो आप इस लैंग्वेज को सही ढंग से पढ़ें, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण से पश्चिम की ओर कितना 60 डिग्री पर 50 किलोमीटर को व्यक्त करना है, ऐसे व्यक्त करना बच्चों और एरो बना के छोड़ दो ताकि आगे तक इन्फाइनल तक जाता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये बनता बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा, कोई फिगर दे देगा, फिगर देकर आपसे उसमें पूछा जाएगा बताओ इसमें क्या क्या आंसर होंगे। तो आपको पहला कह दिया कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल की डेफिनेशन क्या कहा था मैंने, ऐसा वेक्टर टू और मोर देन जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। तो देखो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट एक ही है, ए वेक्टर और डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, इक्वल वेक्टर बताओ। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, टू वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, इक्वल क्या क्या, तो डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, अगर ऐसा है देन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो देखो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, है ना, तो
ऐसा वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा तो बी वेक्टर और डी वेक्टर आपके पास आ गया। और लास्ट ईयर थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर है मतलब कोलिनियर का मतलब एक लाइन है बट इक्वल नहीं है। तो देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ए वेक्टर है सी वेक्टर। तो बच्चों इस टाइप से तीन टाइप के क्वेश्चन अब तक बोर्ड के अंदर या कंपटीशन के ऑप्शन के अंदर या आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो इन सवालों का जवाब आपके पास है। थर्ड क्वेश्चन क्या बना अब तक बोर्ड के अंदर या कंपटीशन में, क्लासीफाई द स्केलरी वेक्टर। क्लासीफाई कैसे करेंगे बच्चों, जैसे 10 kg है, 10 kg में मैग्नीट्यूड ही पता चल रहा है, डायरेक्शन का अपने को कोई पता नहीं है, इसलिए स्केलर होगा ये 10^-19 गुना। अभी क्या है बस 10^-19 गुलाम लिखा हुआ है, गुलाम का मतलब है स्केलर आपके पास ये। नेक्स्ट 20 m/s², तो देखो मीटर भी है सेकंड स्क्वायर भी है, इसलिए वेक्टर होगा। क्यों, ये वेलोसिटी के आपके पास क्या हो गई, यूनिट हो गई, इसलिए आपके पास ऐसा होगा। 3 m नॉर्थ वेस्ट, अब देखो मीटर भी है नॉर्थ वेस्ट भी है, तो वेक्टर हो गए। सिमिलर डिस्टेंस, डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस एक दूरी है, दूरी है कोई किधर भी हो सकती है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी आपके पास हो सकती है, इसीलिए आपके पास स्केलर होगा। फोर्स, फोर्स का मतलब बल, बल लगाएंगे अपन, फोर्स लगाएंगे तो किसी डायरेक्शन में लगाएंगे, अपने को डायरेक्शन भी ये दे रखी है और मैं लगा रहा हूँ फोर्स ऊपर, इसका मतलब बेवकूफ बना रहे अपन भाई। फोर्स किसी इस पर लगाएंगे ना, फोर्स ऐसा मैं फोर्स लगा रहा हूँ, किधर लगा रहा है, किसी के ऊपर लगा रहा है, डायरेक्शन में लगाएगा तभी तो फोर्स होगा, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसलिए आपके पास क्या हो गया वेक्टर हो गया। बच्चों वर्क डन, वर्क डन कार्य करें, खड़ा खड़ा भी कार्य हो रहा है, सोते भी कार्य हो रहा है, बैठे बैठे कुछ भी करें तो भी कार्य हो रहा है, ऐसे बैठा हो तो भी कार्य है, इसलिए कार्य की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए वर्क हमेशा स्केलर होगा। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं बच्चों, ये स्केलर हो गई। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि वेक्टर के अंदर डेफिनेशन और किस किस टाइप के सवाल अपने पास कंपटीशन में बच्चे बनते हैं, इसलिए बच्चों आप इनकी स्टडी करिए, अपने दोस्तों को भी कहिए, अपने जहां पर भी भेज सकते भेजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो अपने को देखने को और मिले। तो बच्चों ये आगे की डेफिनेशन अपन आगे की क्लासों में लेंगे।